हेलो व्यूवर्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल नेहास किचन एंड ट्रेवल ऑन अ बजट में। आज मैं फिर आपको यूके का एक बहुत ही सुंदर सा जगह घुमाने वाली हूँ। नाम नहीं बताऊँगी, आपको कुछ दिखाना चाहूँगी कि ये कौन सी जगह है और आप समझ जाएंगे कि मैं आज आपको कहाँ घुमाने वाली हूँ। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त कॉर्नवॉल में, तो मेरा ये कॉर्नवॉल का सफ़र है 3 रात और 4 दिनों का। तो आप ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप बस से ये कॉर्नवॉल पूरा कवर करना चाह रहे हैं तो आप ये ब्लॉग तो देखना बिल्कुल भी मिस मत करिए। बट हाँ, अगर आप कार से भी ये जगह आने वाले हैं तो यहाँ कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आप जा सकते हैं, ये चीज़ मैं पूरे डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए मेरे साथ करते हैं कॉर्नवॉल का ये खूबसूरत सा सफ़र शुरू। बता देती हूँ, तो हमने जो ट्रेन ली थी वो ली थी लंदन पेडिंगटन से न्यूक्वे के लिए। कई लोग इसे न्यूकी भी कहते हैं, आप जो भी कहते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया है सैटरडे की टिकट जो है 10th of June, 2 adult और 1 child का, और जिसमें मैंने लगाया है रेल कार्ड अपना ताकि जो टिकट है वो मुझे सस्ते में मिले। तो जो टिकट की रेट्स हैं वो आप ट्रैवल के कितने दिन पहले से बुक कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर टिकट के प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर है 114 pound, और जो हम रिटर्न है ये हम करने वाले हैं पेंजांस से। तो पेंजांस से मैंने लंदन पेडिंगटन की टिकट यहाँ पर सर्च की है। तो हमारा ट्रिप है 3 रात और 4 दिनों का। तो हम ट्यूसडे को वापस आ रहे हैं लंदन। तो अगर आप लंदन से बाई कार भी न्यूक्वे जा रहे हैं तो आपको 5 घंटे लगेंगे। वहाँ पर आप चाहें तो इतने सारे और भी सिटीज़ हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। तो कॉर्नवॉल आने का अच्छा मौसम कौन सा है, सीज़न कौन सा है? वैसे हम यहाँ आए हैं मई एंड का जो बैंक हॉलीडे होता है उसमें आए हैं, और पर मैं ये कहूँगी कि अभी भी ये थोड़ा ठंडा है। मतलब रात में यहाँ 13 to 14 degrees कुछ हो जाता है, तो बीचेस आप उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। बेटर है आप सेकेंड वीक ऑफ जून में आइए। जुलाई और अगस्त इज़ बेस्ट सीज़न फॉर कॉर्नवॉल, और विंटर में आप यहाँ आना बिल्कुल भी अवॉइड करिए, क्योंकि जो कैसल एरिया जो बीचेस है वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो मेरा सजेशन है कि सेकेंड वीक ऑफ जून इज़ द बेस्ट टाइम टू कम कॉर्नवॉल। तो पहुँच गए हैं हम मॉर्निंग में पेडिंगटन, और पेडिंगटन से हमारी ट्रेन है न्यूके के लिए। बट वो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, हमें बीच में एक जगह चेंज करके जाना होगा जिसका डिटेल मैं आपको बताऊंगी। वैसे जो पेडिंगटन स्टेशन है ये मेरा काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर DDLJ की भी शूटिंग हुई है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये लंदन का। तो टिकट बुक करते वक्त आप अपना सीट रिजर्व कराना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि काफ़ी रश रहता है, ट्रेन में आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और वीकेंड में रश होने की वजह से आप स्टेशन अपने ट्रेन के डिपार्चर के 20 मिनट पहले एटलीस्ट पहुँच जाएँ। तो हमें हमारा कोच मिल गया जिसमें हमने अपना सीट रिजर्व कराया था। और जैसे जैसे आप कॉर्नवॉल के पास पहुंचते जाएंगे, देखिए ट्रेन से कितना सुंदर यहाँ पर व्यू है। खाने की अगर मैं बात कहूँ तो अपना ब्रेकफास्ट और लंच आप साथ में लेके जाइए, ट्रेन में आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो बीच में हमें यहाँ पर ट्रेन चेंज करनी, हमारी ट्रेन जो थी वो 15 मिनट डिले थी, तो जो दूसरी ट्रेन हमें पकड़नी थी उसमें टाइम डिफरेंस काफ़ी कम था, हम घबराए हुए थे। बट हमें ट्रेन ड्राइवर ने ये बताया कि वो ट्रेन आपका वेट कर रही है, तो अब हमें जो ट्रेन पकड़नी है वो पार स्टेशन से न्यूक्वे के लिए है। तो लंदन से आने वाले 80% जो पैसेंजर है वो यहाँ से न्यूक्वे के लिए ट्रेन चेंज करते हैं। काफ़ी छोटा 2 coaches का ये ट्रेन है। तो फाइनली हम दोपहर को 3:30 अप्रॉक्सीमेटली पहुंच चुके हैं न्यूक्वे, और अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर है, अच्छा धूप भी है और हल्की हल्की ठंड है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा होटल कैसा है। जो कि कॉर्नवॉल है ये फेमस है कैरावेंस के लिए, बट हमने इस बार कैरावेंस नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि कैरावेन की जो बुकिंग होती है वो मिनिमम 3 nights and 4 days की होती है। तो ये बहुत ही बड़ा हमारे आइटनरी में इशू था, क्योंकि हमने जो प्लान किया था उसमें हम पेंजेंस एक दिन रुकने वाले थे, इस वजह से हमने कैरावेन नहीं किया। सेकंड ये था कि कैरावेन के लिए वो 50% पहले ही आपका एडवांस बुकिंग के टाइम ले लेते हैं, तो हम थोड़ा अपना जो ट्रिप है ये फ्लेक्सिबल बनाते हैं।
तो इस वजह से हमने पहले से ही कैरावैन बुक नहीं किया था, हमने होटल बुक की थी जो कि 24 आवर्स पहले भी आप कैंसिल करने से उसका फुल रिफंड। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये थी क्योंकि हम यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे तो जितना कैरावैंस है ये बस स्टॉप से 15-20 मिनट्स वॉक पे होते हैं, कि जो होटल है वो आप बिल्कुल 5-10 मिनट के वॉक पे ही लीजिएगा बस स्टॉप से, ताकि आप कोई भी बस यहाँ पर मिस ना कर सकें और अपना ट्रिप बहुत ही अच्छे से करें। अगर आप कॉर्नवॉल कार से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कैरावैन में रुक सकते हैं, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होता है कैरावैन का। तो हम अपने होटल पहुंच चुके हैं जो कि मेन सिटी पे है, यहाँ से सामने 3 ब्यूटीफुल बीचेस हैं। वैसे जो होटल है ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैं इसके लिए 3 स्टार और 3.5 स्टार ही दूंगी। लोकेशन बहुत अच्छी थी इस वजह से हमने ये होटल जो है चूज़ किया था। और घर से लाया हुआ लंच करने के बाद और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम निकल चुके हैं बीचेस के लिए। कॉर्नवॉल तो जगह है बट ये कौन सी सिटी, हम कौन से स्टेशन में उतरे? न्यू क्वे। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल बीच। आदि को अच्छा लग रहा है? आदि को मजा आ रहा है? और 5 मिनट के वॉक पर ही हमें एक बहुत ही सुंदर सा बीच देखने को मिला, बट इस बीच में हमें इस वक्त नहीं जाना था, इससे भी एक बहुत ही सुंदर बीच है तो सबसे पहले हम वहाँ जाना चाहते थे, बट अगर आपके पास समय है तो आप इस बीच में भी जा सकते हैं। तो ये था इस बीच का नाम। तो यहाँ पर हम इस वक्त नहीं रुक रहे हैं, हम सोचे हैं कि हम इवनिंग में आकर इस बीच में रुकेंगे। तो इस वक्त हम यहाँ पर हैं और यहाँ से पास में ही है ग्रेट वेस्टर्न बीच भी, बट हमें ये वाले बीच में जाना है। यहाँ के आइसक्रीम बहुत फेमस होते हैं सुना है मैंने, एक ले लें? थैंक यू। एंड आर यू? अच्छा, लंदन में पिस्ता फ्लेवर नहीं मिलता ना, यहाँ पर पिस्ता फ्लेवर का है और सच में अच्छा आइसक्रीम है। आदि ने क्या लिया? स्मार्टीज पैन। एंड यू अनंत? मैंगो, 1 मैंगो सॉर्बेट, स्मॉल वन, या प्लीज, थैंक यू। तो आनंद ने लिया है मैंगो सॉर्बेट। तो आइसक्रीम का हमने यहाँ मजा लिया और आइसक्रीम से ज्यादा हमको, मैं दिखाती हूँ क्या देखने में मजा आ रहा है, ये देखिए, वाह। तो इसलिए हमको कॉर्नवॉल में ये वाला बीच आना था बाकी बीचेस छोड़कर, बहुत ही सुंदर है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ब्लू वाटर है और मेन ये जो ब्रिज है, आधी मस्ती कर रहा है। तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखिए बीचेस में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ के बीचेस इतने ज़्यादा सुंदर हैं और जो सैंड है ये बहुत ही ज़्यादा फाइन सैंड है, तो आप अपने आप को पानी में जाने से बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, इसलिए मैं कहूँगी कि आप अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखें। तो हमारे जो होटल है इसके रिसेप्शन में हमें ये बताया गया था कि यहाँ का एक बीच है जहाँ का सनसेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो हमने सोचा कि वॉक कर चलते हैं अभी हम एक दूसरे बीच में। वैसे जो ये बीच है ये 19 मिनट वॉक पर ही है, पर अगर आपको अच्छा व्यू देखना है तो आप समुद्र के किनारे किनारे से भी ये जगह जा सकते हैं। तो GPS से फॉलो करते करते हम पहुंच चुके हैं इस बीच पर, काफ़ी बड़ा पार्किंग है यहाँ पर, तो आप आराम से यहाँ अपना कार पार्क कर सकते हैं अगर आप कार से आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ से टैक्सी लेना है तो आपको ईजिली यहाँ से टैक्सी भी मिल जाएगी। पार्किंग के रेट कुछ इस तरीके से हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये जो बीच है ये काफ़ी बड़ा एक पार्टी हब है, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही बड़ा क्लब था जहाँ पर लोग पार्टीज बना रहे थे। तो हम सनसेट के लिए रुकना तो चाहते थे क्योंकि हमारे सामने ही सनसेट हो रहा था, बट उस वक्त वहाँ पर 9:15 रात को सनसेट हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गया था, तो हमने सोचा कि बेटर होगा कि हम यहाँ से अपने होटल के लिए चले। तो पूरे कॉर्नवॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंडियन नाम के रेस्टोरेंट आपको काफ़ी मिल जाएंगे, बट उसका जो टेस्ट है वो इंडियन नहीं रहेगा बिल्कुल, तो आप प्रीफर करें कि आप बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर पास्ता यहाँ पर खाएं। अगर आप कैरावैन या ऐसी जगह है जहाँ आप बारबेक्यू कर सकते हैं तो यहाँ के बड़े स्टोर्स में आपको इसके सारे मटेरियल्स आसानी से मिल जाएंगे।
तो होटल की तरफ जाते जाते फाइनली मुझे सनसेट देखने को जरूर मिला। और इतना सुंदर ये सनसेट हो रहा था उस वक्त, तो हमने ये सोचा कि हम जो ग्रेट वेस्टर्न बीच है वहाँ से भी ये सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि इस वक्त हम ग्रेट वेस्टर्न बीच में ही खड़े थे जो कि हमारे होटल से जस्ट 10 मिनट वॉक पर है। तो हम यहाँ कल आते हैं और कल यहाँ से सनसेट देखते हैं। तो कॉर्नवॉल की ट्रिप का आज पहला दिन हमारा ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि लंदन से आप कॉर्नवॉल का प्लान कैसे कर सकते हैं, वेदर कौन सा अच्छा है, ट्रेन में आपको कितना समय और कितना कॉस्ट लग सकता है, और कार से भी आपको कितना समय लग सकता है। तो कौन सी है ये जगह और दूसरे दिन हमारे साथ क्या क्या हुआ, ये जानते हैं मेरे सेकेंड एपिसोड में। तो अभी गड़बड़ ये हो गई है कि हमें यहाँ से 5 बजे की बस पकड़नी थी वापस जाने के लिए, बट हमारी कब कब है और उसकी किस्मत ऐसी है कि संडे है, शाम के 5 बज चुके हैं, तो सारे बेकरी सारी चीजें यहाँ पर बंद हो चुकी। तो ये जो सारे टिप्स हैं अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको काम आएंगे, जो कार से ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी मैं बताऊंगी कि टिप्स। और ये है यहाँ का ब्यूटीफुल ब्रिज। तो कॉर्नवॉल के एक्साइटिंग सेकेंड डे जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें और आप इसका सेकेंड एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं मेरे सेकेंड एपिसोड में।